दोस्तों, दिस इज मधुसूदन नायक। फिर आज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने एंड्रॉइड फोन में कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइक TWRP या CWM। उसके लिए आपके फोन रूटेड होना चाहिए। एंड्रॉइड फोन कैसे रूट करते हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। सबसे पहले आप देख लीजिए मेरा मोबाइल रूटेड है। देख लीजिए मेरा मोबाइल रूटेड है। चलिए अब इसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर लेते हैं। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे तरीका है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट और आसान लगा है फ्लैशिफाई के माध्यम से। उसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए फ्लैशिफाई, देन सर्च में क्लिक कीजिए। दोस्तों ये देख लीजिए सबसे पहले वाला एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, देन इसे रूट परमिशन दे दीजिए। उसके बाद रिकवरी इमेज में क्लिक कीजिए, देन कौन सा रिकवरी फ्लैश करना चाहते हो उसमें क्लिक कीजिए, देन आपके पास कौन सा डिवाइस है वो सिलेक्ट कीजिए। अगर इसमें आपके डिवाइस नहीं है तो उसके लिए आप गूगल से कस्टम रिकवरी डाउनलोड कर लीजिए आपकी मॉडल के हिसाब से, देन चूज अ फाइल में क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस लोकेशन में आपकी कस्टम रिकवरी है उस लोकेशन में जाइए, देन उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यप में क्लिक कीजिए। कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे रिबूट नाउ में क्लिक कीजिए। एंड ये देख लीजिए मेरा कस्टम रिकवरी चेंज हो गया, जो कि TWRP हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए। एंड सबसे ज़रूरी बात, मेरी ICR कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।